Governor of Manipur Anusuya Uike inaugurated school on wheels today at Bal Vidya Mandir Complex Palace Compound in Imphal. The initiative, which is being implemented by Vidya Bharati Shiksha Vikash Samiti Manipur, aims to reach out to the students in the relief camps in the state. The school bus is equipped with a library, computers and sports items. Along with the teacher, the school bus will visit relief camps in different places in the state. Speaking at the inauguration function held at Sudarshan Hall, Governor said the initiative, which is being implemented by the Vidya Bharati Shiksha Vikash Samiti, is a good initiative to reach out to the displaced students in the relief camps. She said the incidents, which were started on 3rd of May 2023, affected thousands of people and especially students in the state. Madam, aap lagatar program bhi join kar rahi hai Manipur mein aur aap lagatar shibiron se jo rehti hai unse bhi aap mulaqat kar rahi hai. Aapko halaat kya lag raha hai aapke liye? काफी धीरे धीरे काफी यहाँ पर एक प्रकार से पीस आ रहा है और ये जो हालात अभी फिलहाल जो कैंपों में लोग रह रहे हैं और एक साल के लगभग हो गया है. एक साल 3 मई को स्टार्ट हुआ था और आज 4 मई है, 5. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आज की परिस्थिति में उन फैमिली के लिए एक गंभीर समस्या तो है. हमारा प्रयास, मेरा प्रयास चल रहा है. मैं कहा है सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से, और मैंने कि जितनी जल्दी हो इनको एक स्थायी रेसिडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चों का भी एजुकेशन, तमाम चीजें, उनके फ्यूचर का, कब तक कैंपों में रहेंगे. तो ये इस चीज के लिए भी सरकार ने यह प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी एक जगह कोई बहुत बड़ा एक उनके लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर और वहाँ रखें जब तक कि सिचुएशन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए. लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आगे फ्यूचर में ये भी करेंगे और तमाम सारी चीजों की ओर सरकार का पूरा अभी सहयोग हो रहा है कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनके हेल्थ को लेकर, एजुकेशन बच्चों का, और जो भी उनकी जरूरत की आवश्यकता की चीजें हैं कैंपों में उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए. ये मेरा भी अपने तरफ से विशेष प्रयास चल रहा है. मैडम, आप हाल के दिनों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मिले और महासचिव से भी मिले, आपकी मुलाकात जो है किस तरह की रही वो जरा बताइए. नहीं, नेचुरल है ये जो यहाँ का जो सिचुएशन है इसको जल्दी से जल्दी मतलब ठीक हो, और ठीक तो हो गया, कहीं कहीं बॉयलेंस तो हो रहा है. लेकिन मुख्य जो चीज है, इन कैंपों में रहने वाले जो लोग हैं जिनका हाउसिंग का जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अब उनकी लाइफ आगे और अच्छे से कैसे पीसफुल वो रह सके, उनका जीवन, उनके बच्चों का भविष्य, इसके बारे में मैंने कहा कि सरकार की तरफ से कुछ प्लान जो है बनाना चाहिए ताकि इनका जो लोग हैं कैंपों से बाहर निकलकर वो एक अच्छी मानसिक रूप से भी और उनका आगे का फ्यूचर अच्छा बन सके, परिवार का, फैमिली और बच्चों का. इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद.